एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं जा रही हूँ अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कराने। मास्क हटा के बात कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा हेयर का हालत बहुत ख़राब हो चुका है क्योंकि डेली वीडियोज़ बनाती हूँ कि और स्ट्रेटनिंग करना, कर्लिंग करना, तो बहुत ज़्यादा हीट लगता है। तो मेरा फेस का भी हालत अभी बहुत ख़राब है क्योंकि मैं बहुत जल्दी में जा रही हूँ। हल्का सा भी मेकअप मैंने नहीं किया और बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है। तो मैं दूसरे साइड में जाके बात करती हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं सोची कि आज मैं चली जाऊँ और अपना हेयर में केराटिन और हेयर कलर कर लूँ। तो फाइनली मैं जा रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से मुझे हेयर कलर करने का मन था कि मैं हाईलाइट्स कर लूँ, पर मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं हो रहा था। और अभी इतना ज़्यादा मेरा हेयर में प्रॉब्लम हो रहा है ना क्योंकि मैंने स्ट्रेटनिंग करवाया है, इसीलिए मतलब स्ट्रेटनिंग करती हूँ इसीलिए बहुत ज़्यादा हेयर टूट रहा है। तो आज मैं फाइनली जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हेयर कैसा लगता है। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड और आप लोग भी, पता है मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। सो चलो देखते हैं क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैंने करवाया अपना हेयर कट और आप लोग देख सकते हो मेरा हेयर कितना ज़्यादा पतला हो गया है नीचे की तरफ और बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो मुझे लगा कि मैं अपना हेयर शॉर्ट कर दूँ क्योंकि बहुत अनमैनेजेबल लग रहा है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा अपना हेयर को शॉर्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया शैम्पू, केराटिन शैम्पू, और उसे बहुत टाइम तक मेरे हेयर में रखा। वो कोई प्रोसीड्योर होगा मुझे नहीं पता, ताकि हेयर के अंदर कुछ भी हो वो अच्छे से निकल जाए और केराटिन शैम्पू अच्छे से अप्लाई हो जाए। हेयर को अच्छे से ड्राई करने के बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया था मेरा हेयर कलर और मुझे हेयर हाईलाइट करना था ग्लोबली प्लस ग्लोबल कलर भी करना था। तो दोनों का प्रोसीड्योर स्टार्ट हो गया था और इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि पूरा हेयर हाईलाइट था और उसके ऊपर ग्लोबल कलर भी था। उनको मैंने बोल दिया था मेरे हेयर में बहुत पतला पतला हाईलाइट मुझे चाहिए और ब्लॉन्ड कलर के ऊपर। बहुत टाइम तक ये प्रोसीड्योर चला क्योंकि हाईलाइट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ग्लोबल में तो और भी ज़्यादा। सो ऐसे अलग अलग सेक्शन करके फॉइल पेपर में रैप करके कलर किया जाता है गाइस, जो मुझे लगता है घर में इम्पॉसिबल है। ऐसे हम लोग घर में अकेले नहीं कर सकते। और यहाँ चल रहा था ग्लोबल कलर, जो बाकी हेयर बचा था हाईलाइट के बाद। यहाँ पे डार्क कॉपर नहीं बोल सकते, डार्क ब्राउन शेड का एक कलर था। मेरे कलर से थोड़ा सा लाइट, मेरा जो नेचुरल हेयर है उससे थोड़ा सा लाइट था ताकि ब्लॉन्ड के साथ वो कलर अच्छा लगे। सो यही कलर मेरे हेयर पे उन्होंने अप्लाई कर दिया।
कलर लगने के बाद हाफ एन आवर तक मैंने वेट किया और उसके बाद कलर को उन्होंने वॉश कर दिया, क्योंकि मुझे लाइट शेड नहीं चाहिए था। बहुत ज़्यादा लाइट हो जाने से कलर जल्दी फेड हो जाता है और हेयर को भी रफ बना देता है। तो उन्होंने सोवर लगा, जैसा सोवर लगता है मेरे ऊपर वैसा ही कलर रखा, नेचुरल टाइप का। मैंने बोला बहुत लाइट ना करे। सो उसके बाद यहाँ पर मेरा हेयर कलर वॉश हो गया। इसके बाद हेयर को थोड़ा हल्का सा सुखाया गया और उसके ऊपर लग रहा है यहाँ पे केराटिन क्रीम, जो मेरे हेयर को स्मूथ बनाएगा। और आप लोग देख रहे हो कैसे केराटिन क्रीम लगाने के बाद हेयर को स्मूथली सेट किया जाता है। और ऐसे ही पूरे पार्ट पार्ट करके मेरे पूरे हेयर पे केराटिन क्रीम लगाया गया और इसमें भी बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है गाइस। मैं क्या ही बोलूँ, मैं बैठ बैठ के बिल्कुल बोर हो गई थी, क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसीड्योर है केराटिन का। मैंने ये हेयर कलर करवाया है लवली ब्यूटी पार्लर से चैटर्जी हाट में जो है। जो लोग कोलकाता में या हावड़ा में रहते हो, आप लोग ये पार्लर में ज़रूर आ सकते हो। मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है पूजा के लिए अमेजिंग डिस्काउंट्स, बहुत सारे ऑफर्स। केराटिन क्रीम लग जाने के बाद मैंने यहाँ पे 30-40 मिनट्स वेट किया। उसके बाद उन्होंने ड्रायर से हल्का सा मेरा जो केराटिन क्रीम है उसे हेयर में सुखा दिया था। और यहाँ पे ड्राई मूड में उन्होंने नहीं किया, ये कोल्ड मूड में किया, ताकि हेयर को कोई इफ़ेक्ट ना करे। उसके बाद आते हैं मेन प्रोसीड्योर में। यहाँ पे चल रहा था मेरे पूरे हेयर में स्ट्रेटनिंग का काम। केराटिन के साथ साथ स्ट्रेटनिंग भी किया जाता है, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये भी स्ट्रेटन इफेक्ट देता है केराटिन। स्ट्रेटनर के हेल्प से पूरे हेयर को स्ट्रेट किया जाता है और जो क्रीम है उसे अच्छे से इनपुट किया जाता है हेयर के अंदर, तो इसमें भी काफ़ी वक्त लगता है। तो स्ट्रेटन करने के बाद आप लोग इफ़ेक्ट देख सकते हो कि कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है मेरा हेयर, जो बिल्कुल डैमेज हो गया था। स्ट्रेटन हो जाने के बाद 10 मिनट तक हेयर को छोड़ दिया जाता है, ताकि हेयर थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और यहाँ पे कंडीशनर अप्लाई किया जाता है पूरे हेयर पे और कुछ देर बाद हेयर को वॉश कर दिया जाता है। आफ्टर वॉश मेरा हेयर को अच्छे से वो लोग ड्राई कर दिए और बस यहाँ पे और कोई स्ट्रेटनर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ड्रायर से ही हेयर को सेट कर दिया। सो गाइज, मेरा हेयर कलर फाइनली हो गया है और केराटिन भी, मुझे मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है कि मेरा हेयर बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है। आप लोग बोलना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरा हेयर बहुत पतला हो गया था नीचे की तरफ, तो इसीलिए मैंने इतना छोटा किया, नहीं तो नहीं करती। तो देखते हैं शाकिब का रिएक्शन क्या होता है उसको दिखने के बाद। आप लोग भी ज़रूर कॉमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। एक बार बोलो मैं क्या मन लग सी छोटो को तो चुलटा सच में।
ना। हेयर कलर कैसा लग रहा है आप लोग जल्दी बताओ सर। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तुम्हारे ऊपर, ऐसे में हाईलाइट जाता है। और हेयर तो छोटा पड़ दिया, ठीक लग गया, सच्ची बोल रहा हूं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए, मैंने पूरा प्रोसीडियर आप लोगों से शेयर किया, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। हाँ, और 3 डेज के बाद पता चलेगा कि कैसा आया है फाइनल रिजल्ट। सबसे बड़ी बात, मैं 2 बजे आई थी और अभी बज रहा है 7:30 बज गया, 8 ऑलमोस्ट 6 घंटा बैठने के बाद। सो मेरा तबीयत बिगड़ गया है, अभी मैं घर जाऊंगी। सो यहाँ पे मेरा ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग भी पूजा के लिए तैयार हो जाओ। सो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।